डियर स्टूडेंट वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट नाइन के अंदर मैं आपको ये दो कंसेप्ट कराने वाला हूँ कंपोनेंटो डिविडेंडो एंड रेडियन वर्सिजग्री कंपोनेंटो डिविडेंडो एक बिल्कुल सिंपल सा थ्योरम है ये कहता है कि इफ ए बाई बी इज इक्वल टू फाइव बाई टू मान लो ए बाई बी का रेशियो आपको पता है ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिया है तो अगर आपको ए बाई बी की वैल्यू पता है तो आप निकाल सकते हो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी की वैल्यू ये सिंपल है कंपोनेंट डिविडेंड लो। तो ऊपर ए की वैल्यू है फाइव बी की वैल्यू है टू तो ऊपर फाइव प्लस टू नीचे डिवाइडेड बाय फाइव माइनस टू तो इट इज सेवन बाय थ्री और इफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू इसी इक्वेशन से ले लेते हैं सेवन बाई थ्री मान लो आपको इस चीज की वैल्यू पता है देन ए बायक्वल टू सेवन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई सेवन माइनस थ्री ये हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो का कंप्लीट फॉर्म एक बार फिर से समाप्त करता हूं कि अगर आपको ए बाई बी पता है तो आप ए प्लस बी बाई ए माइनस बी निकाल सकते हो और अगर आपको ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी पता है तो आप ए बाई बी निकाल सकते हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का सिंपल मतलब ये है कि ये पता है तो आप वो निकाल सकते हो और ये पता है तो ये निकाल सकते हो दैट इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और क्वेश्चन में ये थ्योरम लगेगा ये आपको कैसे पता चलेगा आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म दिखेगी या तो ये चीज गिवन होगी या ये पूछी होगी ये फॉर्म दिख जाएगी वहीं से इंट मिल जाएगा कि कंपोनेंट और डिविडेंटो मिलेगा तो ट्रिग्नोमेट्री में ये कैसे कैसे लगता है ये क्वेश्चन कर लेते हैं सी थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सी थीटा माइनस टेन थीटा तो वही फॉर्म आपको दिख गई है ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि अगर ये चीज गिवन है तो हम निकाल सकते हैं ए बाय ए की वैल्यू है सीकेंड थीटा बी की वैल्यू है टेन थीटा तो हम निकाल सकते हैं सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा इज इक्वल टू पांच प्लस तीन डिवाइडेड बाय पांच माइनस तीन इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ सेकेंड थीटा क्या होता है वन डिवाइडेड बाय कोस थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा तो दिस कोट बाय साइन थीटा इज इक्वल टू एट बाय टू दैट इज फोर एंड हमसे पूछा क्या है साइन थीटा तो इट इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज द आंसर इफ टेन थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू टू तो फिर से वही फॉर्म है तो वही फॉर्म आप लगा सकते हो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी पता है तो आपको ए बाय बी पता लग जाएगा बिकॉज इस क्वेश्चन में ये ए था और ये बी था तो ए बाय बी इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड पे क्या है डिवाइडेड बाई वन बिकॉज वन तो हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं तो टू प्लस वन डिवाइडेड अब कोट थीटा जब ऊपर जाएगा तो कोट थीटा का क्या बन जाएगा टेन थीटा बिकॉज कोट एंड टेन डेसी प्रोकुल होते हैं ऊपर एक टेन थीटा ऑलरेडी है एक ये जाके बनाएगा तो ऊपर हो जाएगा टेन स्क्र थीटा इज इक्वल टू टू प्लस इज इक्वल टू सिक्स डिग्री और अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है एग्जामिनर ने पूछा है साइन थीटा तो मतलब साइन सिक्सटी और साइन सिक्सटी होता है रूट थ्री बाई टू मतलब कि आंसर होगा ऑप्शन बी फिर से वही फॉर्म है तो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी तो हम निकाल लेते हैं ए बिकॉज यहां पे ये है ए और ये है बी ए बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी तो साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेंटा इज इक्वल टू पांच और चार नौ और पांच माइनस चार एक तो थीटा की वैल्यू मिल गई नौ no. अब बस यही वैल्यू यहां पर रख दो नौ का स्क्वेयर एट्टी वन प्लस वन एट्टी टू नौ का स्क्वेयर एट्टी वन माइनस वन एट्टी तो टू से कैंसिल करने पे इटविल बी फोर्टी वन बाय फोर्टी So means, option C. तो इसी तरह से कंपोनेंटो डिविडेंडो को या थोड़ा सा ट्विस्ट करके एग्जामिनर यूज कर लेता है ये प्रीवियस क्वेश्चन थे सारे। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं रेडियन वर्सेस डिग्री एक सिंपल कंसेप्ट है रेडियन और डिग्री एंगल को मेजर करने के अलग अलग यूनिट हैं जिस तरह से किलोमीटर और मीटर डिस्टेंस को मेजर करने के अलग अलग यूनिट हैं उसी तरह से एंगल की मेजरमेंट के ये दोनों अलग अलग यूनिट हैं तो वन किलोमीटर इज इक्वल टू तो थाउजेंड मीटर इसी तरह से अगर मैं रेडियन और डिग्री में कंपैरिजन करूं तो पाई रेडियन और यहां पे पाई की वैल्यू है ट्वेंटी टू बाई सेवन पाई रेडियन इज इक्वल टू तो वन एट्टी डिग्री कि अगर डिग्रीज में एंगल वन है तो आप उसको यह भी बोल सकते हो कि एंगल का मेजर है पाई रेडियन तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप इससे कंपेयर करके ईज महसूस कर सकते हो जैसे अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई 90 डिग्री कितना होता है तो वन से कंपेयर कर लो कि डिग्री के अंदर जो वन डिग्री है वो पाई के बराबर होता है पाई रेडियन के बराबर तो 180 के कंपैरिजन में मैंने आधा एंगल यूज किया है आधा तो अगर ये यहां पे आधा है वन एट्टी का और वन एट्टी के बराबर पाई है तो ये पाई का भी आधा होगा If I ask, कि भाई सिक्सटी डिग्री कितना होगा तो यहां पे कंपेयर करो कि ये तो वन थर्ड है और वन एट्टी डिग्री इज इक्वल टू पाई तो फिर इसका भी वन थर्ड ही होगा पाई बाई थ्री इफाई आस्कृत थ्री सिक्सटी डिग्री

वन एट्टी तो पाई के बराबर होता है तो ये पाई का वन ट्वेल्थ हिस्सा है अगर मैं पूछता हूं बीस डिग्री तो बीस डिग्री वन तो भाई पाई बाई नाइन होगा आई होप आपको ये क्लियर हो गया अदरवाइज आप ये रिलेशन भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो आगे क्वेश्चंस में मैं यूज करने वाला इन सर्कुलर मेजर द वैल्यू ऑफ एंगल इज दिस और यहां पर ये जो डैश लगा है ये लगा है मिनट्स के लिए ये बता रहा है कि 11 डिग्री 15 मिनट्स एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं जैसे एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं कुछ उसी तरह का कंसेप्ट है और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं ये एंगल को मेजर करने के तरीके हैं तो इसको ऐसे ही देख लिया करो कि 11 घंटे 15 मिनट तो 11 घंटे 15 मिनट अब 15 मिनट के अंदर कितने घंटे होंगे 15 मिनट एक घंटे का चौथा हिस्सा होते हैं वन फोर्थ और ये 11 तो ये एंगल भी इलेवन वन बाई फोर है इसको फर्दर सोल्व कर लो इलेवन फोर जा फोर्टी फोर प्लस वन फोर्टी फाइव बाई फोर डिग्री घंटों में कन्वर्ट कर लिया ना डिग्री में मैंने कन्वर्ट कर लिया तो अब जस्ट ये देखो कि आपने इतना एंगल यूज किया है तो 180 का कितना फ्रैक्शन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन मैं पूछ रहा हूं कि ये 180 का कितना फ्रैक्शन है तो 45 बाय 4 डिवाइडेड बाय 180 अगर 180 का हाफ यूज करोगे तो पाई का भी हाफ उसी तरह से 180 का ये इतना फ्रैक्शन है तो फिर इतने पाई होगा तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ इट विल बी फोर्टी फाइव फोर जा तो दिस विल बी पाई बाई सिक्सटीन तो हेयर द आंसर विल बी ऑप्शन ए लेकिन अगर अब भी आप नहीं इसको कैलकुलेट कर पाए हैं तो यूनिटरी मेथड से कर लीजिए कि वन एट्टी डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन वन डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई वन एटी एंड फोर्टी फाइव बाई फोर डिग्री इज इक्वल टू इन टू फोर्टी फाइव बाई फोर ऐसे इसको कैंसिल करके पाई बाई सिक्सटीन आ जाएगा यूनिटरी मेथड फॉलो कर लो अगर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो टू एंगल्स ऑफ ए इज़ दिस दो एंगल्स का एंड डिफरेंस इज़ पाई बाई 12. और इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए फिर तो पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं वन एट्टी डिग्री तो ये हो जाएगा फिफ्टीन डिग्री तो ट्रैंगल के दो एंगल हैं जिनका डिफरेंस है 15 डिग्री और सम है 135 तो ये दो एंगल्स का सम है मतलब मैंने 135 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि उनका डिफरेंस 15 हो ऐसे दो एंगल्स इनका डिफरेंस 15 हो और सम 135 हो तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने 135 में से 15 छीन लो मतलब मैंने इसको दो हिस्सों में बांटना है एक हिस्से को पंद्रह ज्यादा मिले तो वो पंद्रह मैंने पहले ही छीन लिए अपनी जेब में रख लिए पंद्रह तो यहाँ पे बच जाएंगे एक सौ बीस एक सौ बीस को दो हिस्सों में बांट दिया साठ और साठ और जिस भी एंगल को पंद्रह ज्यादा देने हैं उसको दे दो तो आप बांट दोगे साठ और पीछे और अब पूछा क्या है एग्जामिनर ने पूछा है फाइंड द ग्रेटर एंगल तो यहाँ पे ग्रेटर एंगल है सेवेंटी फाइव तो सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय अपना वन एट्टी इंटू पाई अगर ये नहीं समझ आया तो फिर से वन एट्टी डिग्री होता है पाई रेडियन वन डिग्री होता है पाई बाय वन एट्टी रेडियन सेवेंटी फाइव डिग्री होता है सेवेंटी फाइव यही मैंने किया यहाँ पे इसको फिर कैंसिल आउट कर लो फिफ्टीन से मैं कैंसिल कर रहा हूं द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल अब यहां पे जैसे सर्कुलर मेजर यूज किया मतलब रेडियन में बोल रहे हैं ऑफ एन एंगल ऑफ आइसोस्के ट्र की क्या खासियत है कि उसके अंदर दो साइड्स बराबर होती है और दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होते हैं आइसोस्केल्स में मतलब दो एंगल बराबर हैं सर्कुलर मेजर ऑफ वन ऑफ अदर एंगल मस्ट बी एक एंगल का मेजर ये है तो एक और दूसरे एंगल का मस्ट बी पक्का क्या होगा तो एक तो सीधे सीधे इसको रेडियन के फॉर्म में डील कर सकते हैं जो कि बहुत ईजी है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मैं रेडियन में बात करूं तो 180 डिग्री की जगह होता है पाई तो तीनों एंगल का सम होता है एक पाई एक भी लिख सकते हैं यहाँ पे तो तीनों एंगल का सम एक पाई तो एक पाई में से कितनी पाई यूज होगी फाइव नाइन्थ पाई तो यूज हो ही गई एक एंगल का इस समय फाइव नाइन्थ तो वन माइनस फाइव नाइन्थ फोर बाई नाइन्थ पाई बची रिमेनिंग अब ये देखो एक एंगल का समय फाइव बाई नाइन बाकी दो का समय फोर बाई नाइन तो इस एंगल के बराबर तो कोई एंगल नहीं है ना इस एंगल के तीन एंगल हैं एक एंगल और बाकी दो बराबर तो इस एंगल के बराबर तो दूसरा एंगल हो नहीं सकता तो इस फोर बाई नाइन जो बाकी बचा है उसी को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा टू बाई नाइन पाई टू बाई नाइन पाई और एक हो जाएगा तो अगर एक एंगल फाइव बाई नाइन पाई है तो बाकी दो एंगल टू बाई नाइन पाई होंगे मतलब सी आंसर होगा यहाँ पे अगर ऐसे पाई की फॉर्म में आपको नहीं समझ में आया तो इसको आप कन्वर्ट कर लो पाई की जगह पे मैंने 180 लिख दिया ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम है वन एट्टी एक एंगल है 100 तो बाकी का बच गया अस्सी डिग्री तो दो एंगल बराबर हैं ट्रायंगल के तो वो चालीस चालीस के होंगे अब 100 सो के तो होंगे नहीं वन एट्टी को क्रॉस कर जाएगा तो आपको तीनों एंगल मिल गए एग्जामिनर ने क्या बोला था कि एक एंगल सौ है तो दूसरा एंगल क्या होगा दूसरा फोर्टी डिग्री होगा तो उसी यूनिटरी मेथड से 40 डिग्री को भी कन्वर्ट कर लो आप 20 उन्नीस चालीस बीस में एक सौ अस्सी दिस वॉज बाई तो टू नाइन ऑप्शन सी इन दो कंसेप्ट के लिए इतना ही तो और जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस डालता हूं तो जरूर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आप लोग वो उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे वीडियो के अंदर तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय